नमस्कार आदाब। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त पूरे देश के अंदर चुनावी माहौल बना हुआ है और लोकसभा की तैयारी अपनी चरम सीमा पे है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 2019 का लोकसभा का चुनाव है, ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। और इस चुनाव को जीतने के लिए लगभग सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार चुके हैं और उनके पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कैंडिडेट को जिताने के लिए। अगर हम कल्याण लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी ने वर्तमान नगर सेवक बाबाजी पाटिल पर भरोसा करते हुए उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। मगर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस चुनावी मैदान में अब MIM और वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी अपना उम्मीदवार संजय हाड़ो को उतार के इस मुकाबले को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। सोमवार 7 अप्रैल को वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं संजय हाड़ो, उन्होंने मुमरा का दौरा किया और वो MIM के कार्यालय पे भी गए, जहाँ पे उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पे वहाँ पे कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। आइए जानते हैं कि इस अवसर पे जो वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट है, उन्होंने पत्रकारों को क्या कहा। आपके कौन को ब्यूरोक्रेसी में कितनी परसेंट जगह थी, आज़ादी के पहले और आज़ादी के कुछ दिन बाद आपकी कम्युनिटी 51% ब्यूरोक्रेसी में थी। आप हुक्मरान थे इस हिंदुस्तान के ऊपर, बाबर से लेकर औरंगजेब तक आपने हुकूमत की है। कहां है आज आपकी पोजीशन, आपके बच्चे कहां है? मैं बताता हूं, मैं ट्रांसपोर्ट लाइन का बंदा हूं, आपके बच्चे मैकेनिकल लाइन पे हैं, पट्टे चढ़ाते हैं, बैटरी चार्जिंग करते हैं, हम फिशिंग करते हैं, मिस्त्री हैं, कितने लोग हैं आपके ब्यूरोक्रेसी की IAS IPS उंगलियों को चुनने, कितने लोग हैं कि जो MPSC पास आउट के UPSC पास आउट होके बड़े पोजीशन पे, छोटे मोटे कारोबारी कुछ भी हो गया कश्मीर में तो आपको पकड़ा जाता, क्यों पकड़ा जाता है भाई? आपको तिरंगे से लगाव नहीं, आप क्या हिंदुस्तान के नहीं हो, आप हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते, सब करते हैं लेकिन आपको बदनाम किया जाता है। ओएसी साहब को मूर्ख नहीं है पार्लियामेंट कि ओएसी साहब को संसद रत्न एक किताब से नवाजा जाता है। मेरे पास कुछ पत्रकार लोग आए, साहेब तुम्हें काय विकास करा, रस्ते पानी बीज लाइट, मैंने बोला कारपोरेटर के काम ये साहब है, आपके कारपोरेटर के काम साहब, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज महाराष्ट्र के नक्शे पे मुसलमान और हिंदू साहित्य में आ गए हैं। हम अन्याय रास्ता आदिवासी, हमारी 1,90,00,000 की वोटिंग आ रही है, हम अगर तीनों एक जगह बैठिए तो क्या माहौल रहेगा, क्या हालात रहेंगे, पूरा बदला देंगे हम, राजनीति हमारे कदम चुमेगी, इतनी औकात और इतनी ताकत और इतनी शिद्दत। मुझे आपके मुमरा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मालूम है, जो बहुत बड़ा मैदानी और बड़ा नाजुक प्रॉब्लम है, वो है आपके कब्रस्तान का। शेख लियाकत जो BJP में है, उनसे मेरी बरबार के रहने वाले हमेशा मुलाकात होती रहती है, मैं हमेशा उनको बताते रहता हूँ, वो भी मुझे बताते रहते हैं, भाईजान बोले यहाँ हमारे इधर कब्रस्तान का प्रॉब्लम है, जबकि गोरी को काफ़ी बड़ी जगह दी गई है और आपके इसमें जो दफन किए हुए जो ये रहती है डेड बॉडीज वो निकाली जाती है, उसी जगह दूसरी बॉडी डाली जाती है, ये बहुत गलत है। वर्ल्ड के अंदर में वुमेन राइट्स के अंदर कोई भी व्यक्ति डेथ हो जाने के बाद में उसके साथ बड़े इज्जत से पेश आया जाता है, पूरे वर्ल्ड में आप समझ लो, मराठी मतलब कुछ नेताजी विटंबना करायची नसते, कुठल्याही जाती धर्माचा असला तरी, लेकिन आपके इसमें ये हो रहा है। क्या कर रहे हैं हमारे मित्र जितेंद्र आव्हाड साहब, वो तो विधानसभा में कभी भी क्रिकेट खेलता प्लास्टिक के बॉल से, वो भी देखा मैंने, नागपुर में बिल्कुल मेरे पड़ोस की यहाँ आता है असेंबली के पीरियड में, आप किस मुद्दे को लेकर
बड़ा दुख हुआ सबके साथ कि 3.5-3 दिन आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा का, आपका 1,65,000 1.5 लाख के ऊपर आपका वोटिंग है और कितने प्रभावित कितने के साथ। हम राजनीति के वो कीड़े हैं कि हमने वहां नागपुर के अंदर में सेंट्रल नागपुर में हमने हमारा कैंडिडेट वीपी सिंह के जमाने में जब दत्तादर बना था मुक्ति मार्ग से थे उस वक्त हमने विधानसभा से हमारा कैंडिडेट कितने ओर से जीता कर लाया मालूम है आप लोगों को, सोच नहीं सकते सर आप। हमने वहां हमारा कैंडिडेट केवल 6 वोटों से जीता के लाया था विधानसभा के, विधानसभा के अंदर में 6 वोटों से शरद पवार ने एक कायदा बनाया जो कायदा बनाने के जाति विषयक कायदा है, जाति विषयक कायदे मजहबी कायदे ये कायदे बनाने के अधिकार इस देश के किसी भी विधिमंडल को नहीं है, यानी कोई भी विधानसभा ये कायदा नहीं बना सकता। लेकिन 2000 का एक कायदा बनाया गया है आदरणीय शरद पवार जी के इशारों पे वो कायदा बनाया गया, उसमें एक ही आदमी अगेंस्ट में लड़ाई वो थे दशरथ भांडे जो भारी बहुजन महासंघ के नेता थे और मिनिस्टर थे, वो अकेले 3.5 घंटे हाउस में लड़ते रहे लेकिन ना किसी मुसलमान ने उनको फेवर किया, ना किसी ओबीसी ने किया, ना किसी एसटी ने किया, ना किसी एनटी ने किया, ना किसी एससी के आदमी ने किया, सब देख रहे थे समझते ही नहीं। हम अपने घर में बर्तन मांगने के लिए भाई रखते, नौकर रखते, ड्राइवर रखते तो उसका हम पूरा हिसाब किताब देते, उसकी खानदान की 4 पीढ़ियों का रिकॉर्ड निकालते, 4 पुरुषों का रिकॉर्ड निकालते कि भैया तेरा बाप कौन, तेरा चाचा कौन, तेरा दादा कौन, सब करते कि नहीं हम लोग, और उसके बाद में हम उसको ड्यूटी पे रखते और हम यहाँ से हमारा नुमाइंदा भेजते हैं पार्लियामेंट या विधानसभा में, हम उसके बारे में कुछ नहीं पूछना चाहिए ना। बैठे 3 कैंडिडेट तो संविधान के बारे में क्या नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या नॉलेज है, इस पर मेरे साथ डिबेट है, खुला चैलेंज है, यानी रोफ लाला गुनेगार है हाथ ऊपर करो 288 हाथ ऊपर करेंगे, रोफ लाला निर्दोष है वही 288 हाथ, समझते ही। सबसे पहली बात मैं उन मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि भाई जिस तरह हम अपने बेटी को बहते हैं उसी तरह अपने वोट की तरफ देखिए। 2 दिन की दिवाली मत मनाइए, साल भर में 10 बार दिवालियाँ मनाइए, बढ़िया दिवाली मनाइए, ईदें मनाइए, अपने वोट को सुरक्षित जगह दीजिए। तो इस क्षेत्र के लिए आपने कोई विजन तैयार किया है? मेरा बहुत बड़ा विजन है, तो आप बताइए। हाँ, तो विजन मेरा यह है कि मैं सड़क या पत्रकार महोदय और सिटिंग आपका सॉरी एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और ये नगर सेवक साहब है काउंसिलर है, तो उसमें मुझे ये बताना है कि आप ये बताइए हमें अगर अपने जीवन में तरक्की करनी है प्रगति करनी है तो सबसे बड़ा प्रगति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर अपने पास में अपने घर में 8 साल का बच्चा है 7 साल का बच्चा है तो हम उसको क्या करते हैं, स्कूल में भेजते या नहीं भेजते, भेजते या नहीं भेजते, और जब वो मैट्रिक हो जाता है 12th हो जाता है उसके बाद में उसको हायर एजुकेशन देते या नहीं देते। और आपको मालूम है हायर एजुकेशन क्या है, कितना पैसा लगता है। अगर आपके बेटे यहाँ बैठा हुआ मुझे कोई आदमी नहीं लगता कि अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए मेडिकल के लिए 5 करोड़ रुपया रखा हुआ कि आपको मालूम है आप अगर 1 फीट भी जगह आगे में आप थोड़ा एनक्रोचमेंट कर लेते हो तो तोड़ू दस्ता आता है और आपकी दीवार तोड़ देता है। मैं इस मतदार क्षेत्र में ही नहीं महाराष्ट्र के अंदर में जितनी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाई गई है जहाँ मंत्रियों के बेटे एक्स मंत्रियों के बेटे एक्स एमपीज के बेटे सिटिंग एमपी एमएलएस के बेटे चेयरमैन बने बैठे हैं जो खुद मैट्रिकुलेट नहीं है और एमबीबीएस के लेक्चरर का वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, ये गलत बात है या नहीं है। मैं ये सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ और वहाँ मुफ्त एजुकेशन मिले उसकी व्यवस्था करने की बात करता हूँ। इसके अलावा आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? मेरा प्रमुख मुद्दा यह है कि आपको मालूम है इंडिया में 65 स्मार्ट सिटी है। आप एक बात बताइए कि कौन से शहर में पार्किंग की व्यवस्था की है, बताइए। मैंने जब बीजेपी को पार्किंग हब का प्रोग्राम दिया
दुबई के किंग के कंपनी के नुमाइंदे यहाँ आए, दो दो घंटे तीन तीन घंटे गडकरी के साथ में मीटिंग हुई। पार्किंग हब इज़ वेरी असेंशियल, जिसको पार्किंग हब कहा जाता है, बहुत ही कम जगह में फोर व्हीलर खड़ी रह सकती है, बहुत ही कम जगह में टू व्हीलर खड़ी हो सकती है, उससे रोजगार मिलेगा क्योंकि लोगों को काम मिलेगा। तो मैंने वो हब का काम किया, उन्होंने कोई एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने बस घुमाते रहो, काम करना नहीं है। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये देश में महाराष्ट्र के अंदर में या पूरे देश के अंदर में बिजली पानी और सड़क ये समस्या 50 साल पहले भी थी, आज भी है और आने वाले 50 साल बाद भी रहेंगी, हम रहे ना रहे, लेकिन ये समस्या रहेगी। उसका कारण ये है, हमारे इधर हिंदुस्तान में पॉपुलेशन प्रॉब्लम, एक घर के 10 घर हो चुके हैं, 10 के 20 होने वाले, लोग माइग्रेट होने वाले और नई नई जगह जाने वाले, जहाँ सस्ते में घर मिल रहा वहाँ रहने जाएंगे, बाद में वही समस्या, भैया यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये समस्या हमारे यहाँ चलते रहेगी। इस मतदान क्षेत्र अलग अलग समाज के कितने वोटर्स यहाँ पर, मुस्लिम कितने वोटर्स, धनगर समाज कितने वोटर्स, और उनके लिए आपने क्या क्या कह रही है उनको? मैं धनगर समाज शेड्यूल ट्राइब के अंदर धनगर समाज, हलवा समाज, मानव जो कल्याण में और इस क्षेत्र में अपने पेट के खातिर आए, यही नौकरी मिल गई, यही सेटल हो गए, उनकी भी वोटिंग काफ़ी तगड़ी है। दूसरी बात, मुस्लिम समाज और बौद्ध समाज, इनके लिए मैं उम्र के 17वें 18वें साल से लड़ रहा हूँ, मैं चळवळीतला माणूस आहे। शायद मेरे अल्फाजों से भाईजान आप अंदाज़ा लगा सकते, मैं उर्दू थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ और अच्छी बोल लेता हूँ, समझे? हाँ, तुसी पंजाबी हो? मैम चोर गया, कौन सी पार्टी का समर्थन है? वंचित बहुजन आघाड़ी है। कौन सी पार्टी है? वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर में शेतकऱ्यांचा एक वर्ग आहे, तो आहे, त्याच्यानंतर वंचित बहुजन आघाडी आहे, MIM आहे, आमची मागासवर्गीय कृती समिती आहे, मागासवर्गीय कृती समितीमध्ये आताच आम्ही म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीच्या मार्फत वर्धा जिल्ह्याच्या अंदर में 7 जगह हम दत्ता मेघे, जो भाजप के आज नेता है, किसी जमाने में शरद पवार के राइट हैंड हुआ करते थे, उनके गाँव से 12 सीटों में से 7 सीट हमने जीत ली, निकाल लगला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दलित और मुस्लिम और भी जो समाज के लोग आपसे जुड़े हैं, वो वोटर्स कितने हैं इस क्षेत्र? वो कम से कम 12 लाख के आसपास जाते हैं। और ये इतने बड़े क्षेत्र में विशेष रूप से सिर्फ एक मुमरा ऐसा है, मुमरा का इलाका है जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, इसके लिए अपना आप ही क्या सिर्फ मुस्लिम बाहुल इलाका है जो आपके हक में ज़्यादा हो? मैं जैसा मुमरा की समस्या मैंने बता दी, मुमरा की समस्या सबसे बड़ी समस्या कब्रिस्तान की, वो समस्या हमने दूर करनी है। बोरी लोगों का कब्रिस्तान बाजू में, जबकि उनकी तादाद नहीं, बहुत कम होती है, हमें किसी के स्मशान घाट से या कब्रिस्तान से कोई ये नहीं है। कब्रिस्तान को तो मंजूरी मिली हुई है, वो नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा? आप मुझे ये बताइए, कई जगह मैं देख रहा हूँ कल्याण के अंदर में इंक्रोचमेंट करके बैठे बिल्डर लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ के लिटारा, क्या कर रहा शिंदे, क्या कर रहे नरेंद्र पवार, क्या कर रहे कथोरी जी, क्या कर रहे गायकवाड़ जी, क्या कर रहे भोईर जी? ये तो हमारा जो स्थानीय MLA है उसको सोचने की, उसको क्या कर रहा है? तो सब इधर रास्ते वो मलाई से सबते 9:30 9:30 ठीक है सर, आप बात कीजिए फिर हम आपसे मिलेंगे।